हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निजा एजुकेशन। सो हमने स्टैंडर्ड 2 के फर्स्ट चैप्टर में पहले पार्ट में पढ़ा था थ्री डिजिट्स नंबर, रीडिंग नंबर्स ऑन एबेकस एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स, कंपेरिजन ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर। सो अबाउट दिस टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चिल्ड्रन, हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ न्यूमरल गिव्स इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज प्लेस वैल्यू, राइट? प्लेस वैल्यू मतलब कि प्लेस की वैल्यू। सो नंबर्स में जितने भी डिजिट है उन सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को हम समेशन के रूप में लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा। हम जो नंबर नॉर्मली लिखते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 125, सो दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या करेंगे कि हम इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उस सब की प्लेस वैल्यू का समेशन लिखेंगे। सो प्लेस वैल्यू हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्लेस की वैल्यू। सो नंबर 125 में 5 कौन से प्लेस पे है? 5 1 के प्लेस में है, 2 10 के प्लेस में है, एंड 1 100 के प्लेस में है, राइट? 1 10 100 की राइट साइड से शुरू करके सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद 10, उसके बाद 100। तो 125 का एक्सपेंडेड फॉर्म तो 1 है 100 के प्लेस पे। सो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 100, राइट? प्लस समेशन, ओके, इसे समेशन कहते हैं, प्लस इस सिंबल का नाम है प्लस और इसे समेशन कहते हैं। 2 कौन से प्लेस पे है? 2 10 के प्लेस में है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 20। एंड 5 1 के प्लेस में है, तो 5 की प्लेस वैल्यू हुई 5। सो अब ये जो देख रहे हैं वो 125 नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना है, बस दिए गए नंबर के सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू समेशन के रूप में लिखनी है, समेशन के फॉर्म में लिखनी है। चलो 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। नाउ लेट्स राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑल दिस नंबर, इन सब नंबर्स के हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। ये है 1 का प्लेस, ये है 10 का प्लेस और ये है 100 का प्लेस। सो नंबर 2 इज ऑन 100 प्लेस, सो 2 की प्लेस वैल्यू हुई 200, राइट? प्लस उसके बाद है 3, 3 इज ऑन 10th प्लेस, सो 3 की वैल्यू हुई 30। एंड 4 इज ऑन 1's प्लेस, 4 1 के प्लेस पे है, तो 4 की वैल्यू हुई 4। 348, 8 1 के प्लेस पे है, 4 10 के प्लेस पे है, 300 के प्लेस पे है, सो 3 की प्लेस वैल्यू हुई 300, क्योंकि वो 100 के प्लेस पे है, सो 300। प्लस 4 10 के प्लेस पे है, सो 4 की प्लेस वैल्यू हुई 40। एंड 8 1 के प्लेस पे है, तो 8 की प्लेस वैल्यू हुई 8। इसी तरह ये दो नंबर्स 579, 1 10 100, 5 की प्लेस वैल्यू हुई 500। प्लस 7 10 के प्लेस पे है, सो 7 की प्लेस वैल्यू हुई क्या हुई 7 की प्लेस वैल्यू 70, राइट? एंड लास्ट में
नाइन, नाइन वन के प्लेस में है तो नाइन के प्लेस वैल्यू हुई नाइन। फिर 147, सो 100 प्लस 40 प्लस 7 इज आवर आंसर। 100 के प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 100, 410 के प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 40, एंड 71 के प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 7। सो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को समेशन के फॉर्म में लिखना, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल राइट ऑल दिस एक्सपेंडेड फॉर्म्स नंबर इन शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म दिए गए हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, या उसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म सेम। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले है 500। तो हम देख सकते हैं कि 500 है मतलब कि 500 के प्लेस पे होगा। सो वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। सो 500 मतलब कि वो 100 के प्लेस पे है, तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर है 40, यहाँ पे 4 10 के प्लेस पे होगा इसलिए 4 आएगा 10 के प्लेस पे। और लास्ट में है 3, 3 1 के प्लेस का नंबर है, सो वो हम लिखेंगे 1 के प्लेस पे। सो हमारा आंसर हुआ 543, राइट। नेक्स्ट 700, 700, 100 मतलब कि 7 100 के प्लेस पे होगा, तो हम 7 को 100 के प्लेस में लिखेंगे। फिर 90, 10 के प्लेस पे 9 होगा, सो इसे हम हमें 10 के प्लेस पे लिखेंगे। और लास्ट में है 1 के प्लेस पे आएगा, सो हमारा आंसर है 791। नेक्स्ट इज दिस नंबर 300, 300 के प्लेस पे होगा, सो हम उसे लिखेंगे 100 के प्लेस पे। फिर है 50, 5 10 के प्लेस पे होगा इसलिए ही उसकी प्लेस वैल्यू 50 है, सो हम 5 10 के प्लेस पे लिखेंगे। और लास्ट है 6, 1 के प्लेस पे है तो 6 हम 1 के प्लेस पे लिखेंगे, तो हमारा आंसर हुआ 356। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भी आसान है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी इजी है, राइट। नाउ डियर चिल्ड्रंस, लेट्स लर्न अबाउट आवर सेकंड टॉपिक विच इज कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स का कंपैरिजन। नाउ व्हाट डज द कंपैरिजन मीन, कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ। कंपैरिजन मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना, मतलब कि फाइंड आउट करना कि दोनों चीज़ में फ़र्क क्या है। ओके, नंबर्स के बारे में हम ये कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपका छोटा भाई बहन होगी, ओके, तो आप कंपेयर करते होगे लाइक कि आपका भाई आपसे टॉल है या शॉर्ट है, या आपकी बहन आपसे शॉर्ट है या टॉल है, आपसे फैट है या थिन है। लाइक हम नॉर्मली ऐसे कंपेरिजन करते हैं घर पर, तो हम 3 डिजिट्स नंबर में ऐसे ही कंपेयर करेंगे ये ढूंढ निकालने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो डिजिट्स हैं, ये दो नंबर्स हैं 321 एंड 23। सो कंपेरिजन का फर्स्ट रूल ऑफ कंपेरिजन इज काउंट डिजिट्स। ओके, कंपेरिजन का पहला रूल है डिजिट्स को काउंट करना। डिजिट्स को काउंट करके क्या मिलेगा, तो जिस नंबर में डिजिट्स कम है वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा नंबर है। ओके, जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर दूसरे नंबर से कम डिजिट्स वाले नंबर से बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 321, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स हैं। और 23, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, ओनली 2 डिजिट्स। इस नंबर में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, इस नंबर में
तीन डिजिट्स हैं। सो हमें पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जैसा फर्स्ट रूल हमारा कहता है, जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा। तो 321 इज ग्रेटर देन 23। सो 321 23 से बड़ा है। अनदर एग्जांपल, 453 एंड 526, इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा नंबर है? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नंबर में भी तीन डिजिट्स हैं और इस नंबर में भी तीन डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, देर आर 3 डिजिट्स हियर एंड 1, 2, 3, देर इज ऑल्सो 3 डिजिट्स हियर। सो नाउ वॉट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे? सो कंपेरिजन ऑफ 3 डिजिट्स का दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। एंड वॉट इज इट? वी विल कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना है, ओके? लेफ्ट मोस्ट मतलब कि लेफ्ट साइड से सबसे पहले जो नंबर आता है, जो डिजिट आता है, उसको कंपेयर करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड से सबसे पहला कौन सा नंबर है? यहाँ पे डिजिट 4 लेफ्ट साइड में सबसे पहले है एंड यहाँ पे डिजिट 5 लेफ्ट साइड में सबसे पहले है। सो हम कंपेयर करके ये फाइंड करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, ओके? सो वी कैन सी हियर 4 इज लेस देन 5, ओके? 4 इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 4। सो 5 4 से बड़ा है या 4 5 से छोटा है? सो जो डिजिट छोटा है वो नंबर छोटा होगा। सो वी कैन सी दैट 4 इज लेस देन 5, इट मीन्स 453 इज लेस देन 526, ओके? लेफ्ट मोस्ट साइड से कंपेयर करके हमें ढूंढना है कि कौन सा डिजिट छोटा है। सो जिस नंबर का डिजिट छोटा होगा वो हमारा स्मॉलर नंबर होगा और जिस नंबर का डिजिट बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। चलो अब ये दोनों नंबर्स देखते हैं, ओके? हम इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है ये फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल काउंट डिजिट्स, हम डिजिट्स काउंट करेंगे। सो वी कैन सी हियर, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे भी 1, 2, 3, दोनों तरफ 3 डिजिट्स हैं। तो व्हाट विल वी डू? सेकेंड रूल के अनुसार हमें लेफ्ट साइड से सबसे पहला डिजिट कंपेयर करना है। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे लेफ्ट साइड से सबसे पहले डिजिट है 2 और यहाँ पे भी है 2। नाउ बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल टू 2, दोनों इक्वल है तो दोनों नंबर इक्वल हुए, राइट? लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। सो व्हाट विल वी डू? वी विल कंपेयर नेक्स्ट डिजिट। सो लेफ्ट मोस्ट साइड अगर सेम है तो हम उसके बाजू वाला नंबर कंपेयर करेंगे, ओके? तो 2 के बाजू में कौन सा डिजिट है? 2। एंड यहाँ पे 2 के बाजू में कौन सा डिजिट है? 3। यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 2 है। नाउ वी नो, अब हमें पता है कि 2 इज लेस देन 3, राइट? 2 3 से छोटा है। सो नाउ वी हैव द आंसर, अब हमारे पास आंसर है कि 223 इज लेस देन 237, बिकॉज यहाँ पे 2 जो डिजिट है सेकेंड वाला वो 3 से छोटा है। सो जिस नंबर के बाद बड़ा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा। सो ये है रूल नंबर 3। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? सो लेट्स फाइंड आउट। सो हम यहाँ पे रूल नंबर 4 एप्लीकेबल करेंगे। एंड नाउ व्हाट इज रूल नंबर 4? लेट्स सी। सो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे।
सो यहाँ पे भी तीन डिजिट्स है, 1, 2, 3, ओके, एंड यहाँ पे भी तीन डिजिट्स है, 1, 2, 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से सबसे पहला जो डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे 4 है लेफ्ट साइड से सबसे पहले, एंड यहाँ पे भी 4 है, ओके, बोथ डिजिट्स आर सेम, यू कैन सी 4 इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल कंपेयर नेक्स्ट डिजिट अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। हम लेफ्ट के बाजू वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे कौन सा है, 4। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिजिट 4 है। सो अगेन 4 एंड 4 आर इक्वल्स, बोथ डिजिट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लास्ट में जो डिजिट है इसके बाजू में जो डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। दिस इज अवर फोर्थ रूल। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे नंबर 3 है, डिजिट 3 है, एंड यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 1। नाउ वी नो, अब हमें पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 1 से बड़ा है। सो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 443 इज ग्रेटर देन 441। सो ये हुआ ग्रेटर नंबर एंड ये हुआ स्मॉलर नंबर। ओके चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे। आवर लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।